मर्सिडीज बेंज एस 500 जिसपे सामने माइबा की ग्रिल लगी हुई है, पेट्रोल इंजन 2014 सितंबर मंथ रजिस्टर्ड, दिल्ली रजिस्टर्ड, ओनर सेकंड, ड्रिवन 90,000 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस इज वैलिड टिल सितंबर 2023, आईडीबी वैल्यू है 45 लाख समथिंग की। आगे माइबा की ग्रिल लगी है और गाड़ी के अंदर क्या क्या मुझे फ्लॉज मिले हैं वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हाउएवर ऐसे जितने बड़े फ्लॉज नहीं मिले हैं कि उसके चलते कोई गाड़ी का प्राइस बहुत कम हो जाए। जो मैंने कम करना था सेलर के साथ में, जिनकी ये गाड़ी इन्वेस्टेड कार है, उनके साथ में ऑलरेडी मैं नेगोशिएट करके लेकर आ गया हूँ प्राइस आप लोगों के लिए, विच इज 41 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेशन उनकी 45-46 की थी, बट 45-46 पे सर मैंने नमस्ते कर दी, मैंने कहा सर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, थैंक यू सो मच, बट समहाउ मतलब 4-5 लाख रुपए ऑलरेडी कम कर दिए फ्रेंड्स। उसके अलावा इसमें नेगोशिएशंस की स्कोप नहीं है। मैं इस इंटेंट के साथ वीडियोस बनाता हूं कि आपको गाड़ी वीडियो में अच्छे से दिखा सकूं, आप जब आए तो गाड़ी आपको वैसी हूबहू वैसी मिले जैसी आपको वीडियो में दिखाई है। एक एक चीज को बारीकी से मैं आपको दिखाता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आने से पहले वीडियो को पूरा देख लें सर, 5-7 मिनट अपने वीडियो को देख लें, सो दैट आपका आना और आपका जाना वेस्ट ना हो। और ये मैं पर्टिकुलर इस गाड़ी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी हर गाड़ी अपनी हर वीडियो के लिए बात कर रहा हूं जो कैटलॉग में लिस्टेड है कार्स। इसके अलावा अगर आप कोई और गाड़ी देखने में इंटरेस्टेड है तो सर आप मेरा कैटलॉग भी व्यू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और वसीम खान 1107 पे मैं इंस्टा पे रील्स बनाता हूं, शॉर्ट रील्स आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पे जो है यहां पे माइबा की ग्रिल लगी हुई हमें मिल रही है और इसके अंदर एक बिडिंग आनी थी जो बिडिंग मिसिंग है, और जिनकी ये गाड़ी है उन्हें मैंने बताया कि इसके अंदर बिडिंग मिसिंग है, तो ही सेड कि हाँ मैं इसमें बिडिंग लगवा के दूंगा। एक चीज मुझे इसके अंदर कमी ये मिली है, हेडलाइट्स जो है वो अच्छी कंडीशन में है, सारे क्यूबिकल्स जो है वो सारे ब्राइट है, क्रिस्टल क्लियर लाइट्स मिल रही है इसके अंदर। आगे के जो हमारे सेंसर्स हैं वो भी इंटैक्ट है, और यहाँ पे जो क्रोम फिनिश मिल रहा है ये भी हमें बिल्कुल इंटैक्ट मिल रहा है। बम्पर्स जो है वो रीप्रिंटेड हैं यस, लेकिन बोनट मुझे इसका ओरिजिनल मिला है और इसके ज्यादातर पीसेस जो है वो मुझे ओरिजिनल मिले हैं जब मैंने गाड़ी को चेक करा है। बाकी अगर आपको चाहिए तो सर मैं आपको इसकी आरसी शेयर कर दूंगा, आप इसके सर्विस रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप गाड़ी देखने के लिए आए। ये वाला फेंडर जो है ये भी मुझे ओरिजिनल मिला है। टायर्स जो है गाड़ी में चारों एक ही प्रोफाइल के हैं, और टायर्स ये आगे के जो है ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ 8,000 से 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं, और अगर आप चेंज करा लें तो गाड़ी की लुक्स भी अच्छे हो जाएंगे और गाड़ी की मतलब सेफ्टी भी इन्हांस हो जाएगी, ऑफ कोर्स राइड क्वालिटी भी इन्हांस हो जाएगी। इसके अंदर 245/45 R18 19 इंचेस के अलॉयज मिल रहे हैं। अलॉयज जो है एक बफिंग वगैरह क्लीनिंग मांग रही है गाड़ी, और डिटेलिंग मांग रही है जैसा हम आपको बताते हैं डिटेलिंग करके देते हैं। ड्रम्स जो इसके राउटर्स हैं वो अच्छी कंडीशन में है, कोई सस्पेंशन में मुझे कोई ऐसा लीकेज नजर नहीं आ रही है। उसके बाद ये वाला डोर है हमारा, ये वाला डोर भी हमारा साफ साफ बचता है, इसके ऊपर एक हल्का सा रोड चिप का निशान है और कुछ नहीं है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स है जो कि अच्छी कंडीशन में है, और पीछे से देखिए गाड़ी कितनी वाइड लगती है, 5.2 मीटर लंबी गाड़ी है, मतलब एक गाड़ी की एक अलग क्लास है, एक अलग स्टाइल है इस गाड़ी का। और एस क्लास जो है अपने आप में एक फ्लैगशिप कार है, और इस सेगमेंट में एस क्लास को कोई बीट नहीं करता, इस चीज से मैं पूरा का पूरा एग्री करता हूँ कि एस क्लास की सीरीज में अगर आप देखोगे, इस सेडान में अगर आप देखोगे तो कोई गाड़ी एस क्लास को बीट नहीं करती है। फिर हमारा ये वाला डोर साफ साफ बचता है, क्रोम फिनिश हमारी साफ साफ बच रही है, नीचे जो बिडिंग पे क्रोम आ रही है वो हमारा बिल्कुल साफ साफ बच रहा है, ये वाला फेंडर हमारा साफ साफ है। इसके बाद यहाँ पे हल्की सी कलम टचिंग हो रखी है, ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है सिर्फ कलम टचिंग से काम चलाया हुआ है, बाकी कोई चीज ना पेंट कराई है ना कराने की जरूरत है। उसके बाद रियर बम्पर्स जो है वो ऑफकोर्स पेंटेड हो सकते हैं। ट्विन एग्जॉस्ट हमें इसके अंदर मिलता है पीछे, क्योंकि V8 इंजन है ये, 453 BHP जनरेट करती है गाड़ी, सुपर पावरफुल कार है। यहाँ पे ट्विन साइलेंसर हमें मिलते हैं, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है जो कि बहुत आराम से खुला है। जैसे ही आपने देखा गाड़ी की बूट देखकर लग रहा है कि गाड़ी जो है वो काफी स्प्रैंकली यूज है, नेट्स वेट्स जो है इसके सारे इंटैक्ट है। और यहाँ पे जो हम इसका स्पेयर व्हील देखेंगे, डोनर व्हील आता है इसके अंदर जो यूज हुआ है, यूज तो हुआ होगा क्योंकि 90,000 किलोमीटर चली है। और उसके बाद इसकी बूट जो है वो इंटैक्ट मिल रही है, और इलेक्ट्रिक बटन्स जो हैं वो हमारे बराबर काम कर रहे हैं। चारों डोर्स के सॉफ्ट टच मैं देख चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले, जो सॉफ्ट टच है वो प्रॉपरली फंक्शनल है जैसे काम करना चाहिए। यहाँ का हल्का हल्का सा पेंट जो है वो पील ऑफ हो गया, इससे पता चल रहा है कि गाड़ी इन्वेस्टर ने रीपेंट नहीं कराई है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी सब कुछ इंटैक्ट है, मामला कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे हमें सीट्स में यहाँ पे हमें जो है 4 सीट कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, बेसिकली रेल एंटरटेनमेंट सिस्टम है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, S500 है। यहाँ पे हमें जो है ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा घिस गया क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर पीछे बैठे हैं, शोफर ड्रिवन कार रही है, ये एक घिस गया। आप चाहेंगे तो हम सिर्फ ये एक पट्टा बनवा के आपको दे सकते हैं विद इन दिस प्राइस, उसकी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमें पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, वैनिटी मिरर्स जो है वो सारे अच्छी कंडीशन में है, डोर हैंडल्स जो है वो अच्छी कंडीशन में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। पीछे का हमें यहाँ पे
कर्टेन मिल रहा है, ऑटो कर्टेन मिल रहा है, ये वाले भी ऑटो कर्टेन है, एम्बियंट लाइटिंग है, यहाँ पे वुडी फिनिश क्रोम फिनिश मिल रहा है, मेमोरी सीट्स मिल रही है, कूल्ड और हीट सीट्स हमें इसके अंदर मिल रही है, बोमिस्टर का सराउंड सिस्टम है इसके अंदर, और यहाँ पे जो है ये सामान रखने की जगह कस्टमर ने जगह एक एडिशनल ये लगवाया, आई थिंक S500 में या मे बी आता हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएशन आते रहते हैं मॉडल्स में। पीछे हमें ड्यूल जोन AC कंट्रोल्स मिल रहे हैं और पीछे फिन्स मिल रहे हैं, हमें बी पिलर पे भी फिन्स मिल रहे हैं, सेंटर में भी हमें फिन्स मिल रहे हैं, एयर फिन्स। आगे की देखते हैं सीट्स की कंडीशन कैसी है। पीछे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो क्रोम, ये भी मतलब इतना इंटैक्ट है, ये एक एक चीज़ बारीकी से मतलब मैं देखता हूँ और दिखाता हूँ अपने व्यूअर्स को। सॉफ्ट टच जो है वो सारे वर्किंग कंडीशन में है। ये वाला डोर हमारा फिर बिल्कुल क्लीन साफ निकलता है, एक रबिंग बफिंग करके गाड़ी के अंदर चमक आ जाएगी। यहाँ पे हल्का सा मतलब गाड़ी में कोई ऐसेज काम कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो ड्राइवर सीट है ये भी हमारी अच्छी कंडीशन में है, कोई ऐसे नहीं है कि सीट्स बाहर से बनवाई हैं। स्टेयरिंग इसका ओरिजिनल है मर्सिडीज़ बेंज, कोई कवर ववर नहीं चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, आर्मरेस्ट इंटैक्ट है, सामने से गाड़ी बिल्कुल इंटैक्ट है और कहीं से कुछ ऐसा स्टिचिंग्स भी इसकी नहीं उखड़ रही है, स्टिचिंग्स भी बिल्कुल इसकी इंटैक्ट है। एक बड़ी सेल्फ मार के 90,000 किलोमीटर्स ड्यू है। पीछे के गाड़ी के सीट्स वीट्स के फंक्शंस देख लेते हैं और गाड़ी के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किसी तरह का कोई एरर भी पॉपअप नहीं हो रहा है। एक चीज़ पैसेंजर एयरबैग ऑन है वो चीज़ वो बता रही है और एक पार्किंग ब्रेक ऑन है वो चीज़ वो बता रही है। इसके अंदर हमें नेविगेशन मिल रहा है, यहाँ पे हम स्क्रीन में एक बारी देखते हैं कि वो नेविगेशन हमारा हम कैसे यहाँ पे आएंगे हम देन ओके करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है रोड नॉट मैप्ड ये बता रहा है और हमने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्क्रीन में भी इसका नेविगेशन मिल सकता है और यहाँ पे स्क्रीन में तो नेविगेशन हमें ऑफकोर्स यहाँ पे मिलेगा ही। और कैमरा देख लेते हैं इसमें कैमरा कैसा आएगा। सो ये हमें इसके अंदर कैमरा मिलेगा, एंटायर चेक एंटायर सराउंडिंग्स ये बता रहा है और 180 डिग्री हमें मिलेगा इसके अंदर, 360 डिग्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें एनालॉग क्लॉक मिलेगी और आगे AC फिन्स मिलेंगे, बोमिस्टर का सराउंड सिस्टम है, एम्बियंट लाइटिंग वगैरह सारी वर्किंग कंडीशन में दिख रही है हमें। यहाँ पे जो हमें इसका जॉयस्टिक है वो भी कहीं से कुछ ब्रेक किया कुछ ऐसा नहीं है, अक्सर मैं यहाँ पे देखता हूँ कभी कभी ब्रेक होता है। एयरमैटिक सस्पेंशन मिल रहा है और आप इसको स्पोर्ट्स मोड इकोनॉमी मोड में चला सकते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी जो है मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन रखी है कस्टमर ने, जो कि देख कर लग रही है ऑफकोर्स। और ये वाला जो डोर है ये भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, इसकी सीट्स वगैरह जब हम टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी की तब हम इसको चेक करेंगे। पीछे की सीट्स एक बारी मैं देख लेता हूँ कि पीछे की सीट्स प्रॉपरली फंक्शनल हैं और कर्टेंस वगैरह फंक्शनल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो रिक्लाइनर इज़ वर्किंग यस, और ये वाली सीट भी हमारी वर्किंग है, बोमिस्टर का सराउंड सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होगा। यहाँ से हम सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं, यहाँ से हमने रियर जो हमारा रियर ब्लाइंड है वो यहाँ से हमारा कंट्रोल हो रहा है, फंक्शनल है। उसके बाद में हम यहाँ से ये वाला बटन, फिर ये हमारा सन ब्लाइंड का है, साइड का ऑटो सन ब्लाइंड्स मिल रहे हैं। फिर यहाँ से मिरर हम नीचे कर सकते हैं, मिरर्स के थ्रोज जो है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। फिर हम यहाँ से वो वाला कर्टेन कंट्रोल कर सकते हैं और जो कि वो भी अच्छी कंडीशन में काम हमारा कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और वहाँ पे बैठ के हम इसकी मेमोरी सीट्स वगैरह है और ये वाली सीट भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन भी हमारा प्रॉपरली फंक्शनल है, यहाँ से हम इसकी सीट कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमें जितनी आगे भेजनी है उतनी हम आगे इसको भेज सकते हैं। अब गाड़ी को जब हमने स्टार्ट किया है तो मुझे इसके अंदर एक चीज़ ये मिली है कि इसकी जो फैन स्पीड है वो ज़्यादा बड़ी हुई है। आइडल स्टेट पे गाड़ी की फैन स्पीड ये नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक इसके सेंसर में कोई दिक्कत है या इसके फैन में कोई दिक्कत है, वो सेलर ने कहा है कि वो करा के देंगे, क्योंकि जितना आवाज़ इसका फैन अभी कर रहा है उतनी आवाज़ आनी नहीं चाहिए खड़ी गाड़ी पे, लेकिन वो फैन की आवाज़ है। ये बिडिंग मैंने आपको बता दी, ये बिडिंग का जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए गाड़ी के इंजन में कोई खास काम मुझे नज़र नहीं आया कि कोई खास काम होना है, ये एक चीज़ है जो कि ये उन्होंने कहा कि वो लगवा के देंगे, ये एक चीज़ निकली भी है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये वायरिंग यहाँ पे हमें दिख रही है और ये इसलिए लगाई है उन्होंने, उनका कहना है कि ये उन्होंने ग्रिल लगाई है उसके चलते लगानी पड़ी है। गाड़ी का जो फैन है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ठीक करा के आपको देना है। और गाड़ी का बोनेट जो है वो मुझे ओरिजिनल पेंट का मिला है, लेकिन यहाँ पे जो है ड्यू टू एज फैक्टर या फिर ये चीज़ें जो है हो सकता है इसके सस्पेंशन का काम हुआ हो उस टाइम पे ये खोला हो, ये चीज़ जो है ये खुली भी हमें देखने के लिए मिल रही है। जो चीज़ सर आप आकर देखोगे फिजिकली वो चीज़ मैं आपको डिजिटली वीडियो में पहले दिखाता हूँ, इसलिए आपको कहता हूँ कि मोटो फाइंडर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, मैं इस तरह के अनबाइज रिव्यूज़ लाता हूँ
और जैसी गाड़ी होती है सर मैं वैसी बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आप आओगे आप तब वो चीज़ देखोगे तो बेटर है, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन सेलर ने मुझे कन्विंस करा है कि गाड़ी आप स्कैनिंग करा सकते हो, मर्सिडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड्स। फैन की आवाज़ उन्होंने कहा है कि मैं ठीक करा के दूंगा, फैन ठीक करा के दूंगा, ये चीज़ वो ठीक करा के देंगे, यहाँ की बिडिंग मिसिंग है वो करा के देंगे, और भी चुनपुट काम अगर आपको लगते हैं तो वो करा के देंगे। इंजन की साउंड से आपको सुना दी है, एक बार डायरेक्टली फ़ोन से सुनाता हूँ। चारों सीट्स जो हैं वो इसकी हीटेड और कूल्ड हैं, पीछे की भी आगे की भी सीट्स जो हैं वो इसकी हीटेड और कूल्ड हैं। मेमोरी सीट्स मिल रही है हमें आगे की दोनों, और यहाँ से हम लेफ्ट साइड की भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें सीट आगे पीछे करनी है, ड्राइवर साइड की हम यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बियन लाइटिंग वगैरह मिल रही है हमें यहाँ पे। यहाँ पे हमें जो है इसका डैशबोर्ड जो है वो अच्छी कंडीशन में है, ग्लो बॉक्स जो है इसका। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी इसका जो है मतलब परफ्यूम वर्फ्यूम रखा हुआ है, अच्छे से गाड़ी को मेंटेन रखा है। जॉयस्टिक देख लेते हैं इसकी प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जॉयस्टिक का होता है। और यहाँ से जो इसका पहले हम इसके होम पेज पे आएंगे, ऑन करके इसको ऑन करते हैं एक बारी हम, और यहाँ से इसकी जो जॉयस्टिक है वो तो प्रॉपरली फंक्शनल है, और यहाँ से हमें रेडियो कनेक्ट करके हम इसकी साउंड, उड़ता पंजाब तो गाना भी अच्छा चल रहा है। एयरमैटिक सस्पेंशन भी एक बार इसके चेक कर लेते हैं, अगर एयरमैटिक सस्पेंशन में कोई भी फ्लॉ या कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे शो कर देगा, व्हीकल राइजिंग बता रहा है, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, अदरवाइज वो बता देता है। गाड़ी थोड़ी सी उठनी शुरू भी हो गई है, एयरमैटिक सस्पेंशन है, एनालॉग क्लॉक जो है वो बराबर हमारी काम कर रही है। यहाँ पे हमें एस्ट्रे वगैरह मिलती है, सामान रखने की जगह मिलती है, और यहाँ पे हमें ग्लास होल्डर्स मिलते हैं, हम इसको कवर भी कर सकते हैं, स्पेस भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो, और यहाँ पे हम ग्लास होल्डर्स भी यूज कर सकते हैं एज पर द कन्वीनियंस जैसे आपको चाहिए। स्टिचिंग जो है कहीं से कहीं तक टॉर्न नहीं हो रही है, सीट्स कहीं से टॉर्न नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, इमैकुलेट कंडीशन में गाड़ी लग रही है। बोनट खोल के मैंने आपको बता दिया, फैन स्पीड के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो एक चीज़ पार्ट निकला वो मैंने आपको बता दिया है, और जो तार से वो उन्होंने ग्रिल बांधी है माइबा की वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो गाड़ी के अंदर रीफअप कॉस्ट मैं नहीं मानता कि 1,00,000 रुपये से ऊपर की कोई रीफअप कॉस्ट है गाड़ी के अंदर। टायर्स अगर आप चेंज करा लो 8-10,000 किलोमीटर में तो हाँ टायर्स की एक खर्चा आ सकता है, तो टायर्स भी अगर मैं जोड़ लूँ तब भी 1,00,000 रुपये में हमारा सारा काम हो जाएगा, और गाड़ी हमें दिल्ली NCR में अप्लाई करने के लिए 2029 तक मिल जाएगी। सो 1.60 CR की ये गाड़ी थी, S500 CBU मॉडल रहा होगा ये, क्योंकि S500 वापस CKD तो था नहीं, और आज की डेट में 2 CR प्लस की गाड़ी है, और आपको ये गाड़ी मिल रही है 41 lakh rupees में, विच इज़ नॉट अ बैड डील। गाड़ी अंदर से साफ है, गाड़ी की फ्रेगनेंस अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी की मतलब लेनी देनी कर रखी है, ऐसा नहीं है, अच्छी गाड़ी है, नाइस कार। 90,000 किलोमीटर्स चली होने के बाद भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, और होता है मतलब 90,000 को बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं होते अगर आप उस हिसाब से देखोगे, जिस हिसाब से इनके जो इंजन्स इंजीनियरिंग है, जो इनका जो काम है गाड़ी के, उस हिसाब से 90,000 कुछ भी नहीं है इन गाड़ियों के लिए। अब 2 लाख चलाओ 3 लाख चलाओ, गाड़ी को मेंटेन करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41 lakh rupees में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, नेट दिल्ली रजिस्टर्ड ओनर सेकंड, ड्रिवन 90,000 किलोमीटर्स 2014 सितंबर मंथ रजिस्टर्ड, इंश्योरेंस वैलिड टिल सितंबर 2023, एंड ओनर सेकंड है, मैं आपको बता चुका हूँ। 45 lakh rupees की IDV वैल्यू है गाड़ी के। टायर्स पीछे के 2 अच्छी कंडीशन में हैं, आगे के 2 आप चेंज कराना चाहें तो करा सकते हैं, वो भी अभी 8-10,000 किलोमीटर आपके चल सकते हैं। छोटा मोटा काम है वो जिनकी गाड़ी है सेलर से वो मैं आपको करा के दे दूंगा जैसा मैंने आपको बताया। बाकी आप सर गाड़ी लें, गाड़ी इंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है गाड़ी। स्कैनिंग करानी है आपको, आप गाड़ी स्कैन करा सकते हैं मर्सिडीज डीलरशिप पे। गाड़ी के अंदर कोई मुझे गियर्स में कोई जर्क नहीं मिल रहा है। गाड़ी का पिकअप ऑफकोर्स 453 BHP की गाड़ी है सर, पिकअप के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। और ब्रेकिंग अच्छी है, गाड़ी का AC अच्छा काम कर रहा है। सनरूफ एक बारी खोल के देख लेते हैं, सिंगल टच के साथ में सनरूफ हमारी चल रही है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो है वो हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। 8-way एडजस्टेबल सीट्स मिल रही है वो हमारी प्रॉपरली काम कर रही हैं। मिस्टर का सराउंड सिस्टम है वो अच्छे से प्ले कर रहा है हमारा, और हेडरेस्ट भी आप देखेंगे हेडरेस्ट तक इसके फंक्शनल है, एक एक चीज़ गाड़ी की फंक्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें, सर मुझे कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ।
सेकेंडली इंस्टा पे मैं रील्स बनाता हूँ, आप इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। ये गाड़ी लेने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।